हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो लगा बेल आइकन है उसको तो दबाए दो, जिससे कि जब भी मैं कोई नया स्नैक्स का वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूवर्स बन पाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा एक भी स्नैक्स का वीडियो मिस करें, क्योंकि मेरे सारे स्नैक्स के वीडियो कमाल धमाल झमाल माला मारो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट से ज़्यादा भरे होते हैं, काफ़ी यूनिक को काफी एक्साइटेड होते हैं। तो जाइए जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं फिर से आपके लिए एक नए कलेक्शन ऑफ स्नैक्स लेकर आ गया हूँ। आज का जो स्नैक्स होने वाला काफी कमाल धमाल होने वाला, मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी तक ये वाले स्नैक्स की अनबॉक्सिंग नहीं करी है। ये जो है गुब्बारे वाला, वाओ, नाम ही सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या स्नैक्स हो गए ये गुब्बारे वाला। तो चलिए आज हम इनको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इनमें से हमें क्या मिलता है। चलिए सबसे पहले मैं पिक करता हूँ हमारा पहला स्नैक्स, ये है कौन सी कंपनी का, चिंटोस कंपनी। वाओ, तो चिंटोस कंपनी जो है काफी अच्छे स्नैक्स बनाती है। यहाँ पे देख सकते हो गुब्बारे वाला, इसके अंदर से काफी फ्री बलून इनसाइड। वाओ, यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा एक्सपायरी डेट वगैरह सब लिखी हुई है। और इसकी जो प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओनली 5 रुपीज, 5 रुपये में मुझे कमाल का गुब्बारे वाला स्नैक्स मिला। तो चलिए बिना किसी देर के मैं इसको कर देता हूँ अनबॉक्स, और देखता हूँ इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर मेरी क्रॉस है। तो चलिए मैंने इस स्नैक्स को यहाँ पे अनबॉक्स कर दिया है और अब देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। वाओ, चलिए इसको मैंने यहाँ से कर दिया है। वो इसके अंदर से रिंग है, वाओ, कमाल धमाल बजाने वाली रिंग है। यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, इसमें से मुझे क्या मिला है, एक गुब्बारा। और देखिए इसका साइज देखिए आप, मुझे लगा काफी बिग साइज वाला गुब्बारा है। देखिए, वाओ, देखिए क्या है, क्या ये, कितना इसका लंबा इसका साइज है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी इसको फुला के आपको बताता हूँ कितना है फूल सकता है, जितना मेरे में कैपेसिटी होगी। मुझे नहीं पता कि मैं इसको पूरा फुला पाऊंगा, लेकिन आप इसका साइज देखिए, गुब्बारे वाला एकदम फुल साइज वाला गुब्बारा है इसके अंदर यार। तो चलिए इसको मैं ट्राई करता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए लास्ट तक के। देखिए फाइनली मैंने फुग्गे को फुला दिया है और आप देख सकते हैं इसको कितना लेंथी और कितना लंबा बना। मैं इसको यहाँ पे एक पीछे से इसको बांध देता हूँ, काफी मेहनत लगी, मेरा मुंह दुख गया इसको फुलाने में, लेकिन आप देखिए इसका साइज। वाओ, मैं आपको इसका साइज कैसे बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके अंदर हमें कितना लंबा साइज वाला गुब्बारा मिला। देखिए आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो उसको, देखिए वाओ, देख सकते हो आप कितना लंबा है गुब्बारा, देखिए कैसा लंबा फूल गया। वाओ, काफी लंबा, आई होप ये कम से कम 1 फीट से ज्यादा गुब्बारा हो। मैंने यहाँ पे इसको गिट्ठान लगा दी, वो भी फूल सकता था, लेकिन मैंने इसको नहीं फुलाया, पूरा 1 फीट से ज्यादा का हमें गुब्बारा मिला है। वाओ वाओ वाओ, तो काफी लेंदी और काफी बड़ा गुब्बारा मिला है। इस बात पर तो आपको लाइक करना होगा कि मैंने इतनी मेहनत से गुब्बारे को फुलाया, इतने लंबे गुब्बारे को, वो काफी अच्छा है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में और अब आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट करके कि स्नैक्स का टेस्ट कैसा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ तो मुझे भी जानना होगा इसका टेस्ट कैसा। वाओ, काफी अच्छा है, नॉर्मल है, ज्यादा चटपटा भी नहीं है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, नॉर्मल है। आप जो नॉर्मल जो मीडियम साइज के हैं, जो मीडियम साइज के स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, जो मिर्ची ज्यादा ना कम, उनके लिए काफी अच्छा, काफी जबरदस्त बेहतरीन। चलिए बिना किसी देर के दूसरे हम गुब्बारे को, हमारे गुब्बारे वाले को यहाँ से अनबॉक्स करते हो, देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। तो देखिए वो गुब्बारे की मुझे लगता है कीमत ही 10 रुपये से ऊपर होगी, वो इतना बिग गुब्बारा मिला है मुझे यार। वाओ, तो चलिए इसको मैंने यहाँ से कर दिया अनबॉक्स, वो देखते हैं इसमें से मुझे क्या मिलता है। ओ माई गॉड, इसमें से भी मुझे एक और गुब्बारा मिला है। वाओ, काफी साइज में, इसका साइज देखते हैं, इसका साइज कितना है। आई थिंक ये अलग टाइप का गुब्बारा, क्योंकि वो काफी लेंदी था और ये कुछ अलग है, मुझे लगता है सेम होगा। इसको फुलाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरी काफी हालत खराब हो गई उसको फुला के। चलिए इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब आते हैं हमारे थर्ड स्नैक्स के ऊपर, देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। वो फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस मेरी यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ अनबॉक्स। देखिए कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए हमें तो काफी मजा ही आ जाएगा, काफी मजा धमाल मच जाएगा। वाओ, देखिए यहाँ से मैंने इसको कर दिया है अनबॉक्स, मुझे लगता है इसमें से क्या मिलेगा हमें। ओ माय गॉड, फिर से हमें एक और गुब्बारा मिला। तो ये जो स्नैक्स हैं, ये अगर आपको गुब्बारे पसंद है तो आप इसको जरूर परचेस करिए, इसमें से गुब्बारे निकलेगा, हर एक स्नैक्स में से गुब्बारा निकलेगा। तो अभी मेरे पास 3 गुब्बारे हो चुके हैं। और चलिए ये देखिए, ये जो है ना, ये रोटेट होने वाला गुब्बारा, कुछ डिफरेंट टाइप्स का गुब्बारा, मैं आपको इसको भी एक बार फुला के बता दूं क्योंकि मुझे ये यूनिक लग रहा है। चलिए मैं एक बार फुला देता हूं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए
ये तिरछा गुब्बारा देखिए, पूरा सांप सीढ़ी जैसा देख सकते हो आप इसको, आगे से पूरा स्नेक जैसा, पूरा सांप जैसा देखिए आप इसको, सांप जैसा गुब्बारा मिला मुझे यहाँ पे। इसको भी मैं इसको कर देता हूँ बंद, क्योंकि मुझे यूनिक लगा था तो मैंने इसको आपको खुला के बताया, लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी कमाल धमाल मचाने वाला आया, काफ़ी अच्छे स्नैक्स वाले ये गुब्बारा वाला है, काफ़ी अच्छे और यूनिक तरह के गुब्बारे इसमें से मिल रहे हैं। वाओ वाओ, मुझे तो काफ़ी पसंद आया और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के गुब्बारे को अनबॉक्स कर रहा हूँ। अगर आपने इस तरह के गुब्बारे वाले स्नैक्स खाए हैं या आपने परचेज करे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे गठन लगी नहीं, वो ब्लास्ट हो चुका है यार, ये क्या हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर दी तो वो ब्लास्ट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम हमारे फोर्थ वन को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। चलिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अनबॉक्स और देखता हूँ इसमें से मुझे क्या मिलता है। वाह, इसमें से मुझे लग रहा है गुब्बारा होगा। ओ माय गॉड, अब स्नैक्स तो देखिए, क्वांटिटी देखिए, मेरा पूरा नीचे गिर चुका है और इसमें से मुझे फिर से वो मिला है बलून। देखते हैं ये किस तरह का बलून, अगर सेम होगा तो इसको नहीं फुलाएंगे। ये देखिए सेम है, जिग जैक मतलब सांप वाला बलून। तो चलिए इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब आते हैं हमारे फिफ्थ वन बलून में, देखते हैं हमें क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर मेरी क्रॉस है, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ डिफरेंट टाइप का बलून मिल जाए हमें। यहाँ पर अभी चार हमें सब में से कुछ ना कुछ बलून मिले हैं और चिंटोस कंपनी का वाव कमाल धमाल मचा जाए। चलिए अब मैं स्नैक्स को यहाँ पर ले आता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं इसकी क्वान्टिटी। देखिए वो देख सकते हो आप, पूरे नीचे गिर रहे हैं, मतलब क्वान्टिटी देखिए आप कितनी ज़्यादा हो चुकी है। इसमें से मुझे मिला है फिर से एक बलून, और ये कौन सा बलून है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल होगा या कैसा नॉर्मल है। ये है हमारा नॉर्मल बलून, देखिए स्मॉल साइज वाला बलून है, काफ़ी छोटा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरह का बलून है। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में, कुछ यूनिक हो तो मैं आपको फुला के बताऊँ। तो चलिए अब हम हमारा लास्ट नॉट द लिस्ट हमारा जो है चिंटोस कंपनी का गुब्बारे वाला स्नैक, उसको हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं उसमें से क्या निकलने वाला है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। तो चलिए अभी हम इसको कर देते हैं अनबॉक्स और देखते हैं हमें इसमें से क्या मिलता है। तो चलिए इसको मैं कर रहा हूँ अनबॉक्स यहाँ से। वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और लाइक का जो बटन है उसको दबा ही दीजिए तो मुझे काफ़ी अच्छा पता अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ से मैंने इसको कर दिया है अनबॉक्स, तो यहाँ से देखिए इसमें से क्या मिलता है मुझे। मुझे लग रहा है इसमें से भी सेम चीज़ मिलेगी, देख सकते हो आप। ओ माई गॉड, इसमें से भी मुझे सेम चीज़ मिली है, एक बलून मिला है, वो येलो कलर का मुझे बलून मिला है। और देखिए ये भी मुझे लगता है स्मॉल साइज का बलून हो सकता है, देखिए वाओ। तो मुझे ये भी स्मॉल साइज का बलून, ये हल्का सा बिग साइज का है, देखिए फूल सकता है। ये कुछ डिफरेंट टाइप का, ये मछली वाला बलून है, देखिए इसको मैं फुला के बताता हूँ आपको, मुझे लग रहा है कि इसको फुलाना जरूरी है। चलिए तो फाइनली हमने इसको भी फुला लिया, देखिए बतख जैसा, देखिए आगे से चोंच निकली हुई, पूरा शेप जो है बतख जैसा दिख रहा है, कोई पक्षी जैसा दिख रहा है। वाओ कमाल के बलून वाला जो हमारे जो गुब्बारे वाला जो स्नैक्स है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के मुझे गुब्बारे मिल रहे, काफ़ी यूनिक तरीके के। वाओ वाओ वाओ, मुझे तो मज़ा ही आ गया। अगर आपको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो एक नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इस तरह के वीडियो आपको आगे देखने में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ डायरेक्ट में। अब स्नैक्स देखिए इसमें से कितने निकले, गुब्बारे वाले ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्नैक्स पूरे भरा गया, मेरे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए, मैं आपको बता नहीं सकता देखिए कहाँ कहाँ गिरे हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमें किस किस तरह के हमें यहाँ पे गुब्बारे मिले। फर्स्ट वाला तो ये वाला मिला है, देख सकते हो पूरा स्टेट है सब जगह सा। उसके बाद हमें ये नॉर्मल तरीके का गुब्बारा मिला जो हम आपने देखा होगा। उसके बाद जिगजैग वाला गुब्बारा मिला है, इसको हमने फुलाया भी था लेकिन ये फूट चुका है। उसके बाद ये वाला बतख वाला गुब्बारा और एक और गुब्बारा है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथों में नहीं आ रहा था, इन सबको मैं रख देता हूँ साइड में। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ यूनिक लगा कि इस बार गुब्बारे निकाले हमने स्नैक्स में से, तो आप जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में लगे बेल आइकन को तो दबा दीजिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ सजेशन देना है कि मैं कैसे अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं कर देते हैं समाप्त, मिलते हैं हमारे किसी अगले स्नैक्स के वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।